हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केटू नॉलेज में। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पावरफुल वीडियोस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप किसी चैनल का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका कोई चैनल है, ठीक है, तो चैनल का एक नाम होता है और नाम के साथ साथ एक लोगो होता है। किस तरह से लोगो क्रिएट करें, इसका सारा प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि एक यूट्यूब चैनल के लिए लोगो कैसे क्रिएट किया जाता है। लोगो क्रिएट करने के लिए फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप ओपन करने के बाद एक PNG रिंग लेंगे, इसको हमने डाउनलोड किया है। लोगो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे कि सर्च करेंगे PNG फायर राउंड, ठीक है। ये आप सर्च करोगे तो आपको इस तरह से राउंड मिल जाएंगे। इसको राइट क्लिक करिए, ओपन न्यू टैब, ठीक है। न्यू टैब करते ही ये नए टैब में ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड ट्रांसपेरेंट इमेज। ये थोड़ा टाइम लेगा, टाइम ऑन लेने के बाद ये इस तरह से डाउनलोड PNG पे आप क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, ओके। डाउनलोड होने के बाद ये हमारा डेस्कटॉप पे चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए अगर आपके पास फोटोशॉप है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आप ऐसे करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि Ctrl+T लगानी है। Ctrl+T से क्या होगा कि ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद हमने क्या किया है कि एक दूसरा ऑलरेडी ये न्यू टैब लिया था, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ इस तरह का लोगो कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको Ctrl+N करेंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। ये देखिए आ गया। इस पर डबल क्लिक करना है, यहाँ लॉक पे नॉन एंड ओके, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे आई का सिंबल बना हुआ है, इसको ऐसे हाइड कर देंगे, ठीक है। हाइड करने के बाद क्या करना है कि आपको टाइप करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप किया हुआ ऑलरेडी है तो हम इसी को उठा लेंगे, ठीक है। तो उठाने के बाद अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज बना सकते हैं PNG के लिए, और इसको, ठीक है, इसको Ctrl+T कर लीजिए, ये ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और Ctrl+T लगा लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। ये आ गया Ctrl+T, और इसको आप ऐसे करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप छोटा इसको कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी लिखना है, लिखने के लिए आपको क्या करना है कि एक टी लीजिए और यहाँ पे आप ऐसे लोल मस्ती, ठीक है, लोल, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सब पहले ही बना लिया हूँ इस तरह का, ठीक है, ये बना हुआ है मेरा। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस वाले को मैं सेव करूँगा। इसको आप Ctrl+S करिए, ठीक है। यहाँ से आप चले जाइए डेस्कटॉप पे, ठीक है, लोगो, लोगो में आप इसको सेव कर दीजिए JPEG में, ठीक है। आप इसको ऐसे सेव कर दो एंड ओके, ये बन गया। तो फ्रेंड्स, लोगो बन गया है। मैं आपको अब दिखाऊंगा अब इस लोगो को हम क्या करेंगे कि अपने YouTube चैनल के लोगो में अपलोड करेंगे। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे, अब चले जाएंगे ब्रांडिंग में और यहाँ पे अपलोड, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, डन। ये आपका लोगो लग गया। अब इसको कर देंगे पब्लिश, ये इस तरह से लग गया, ये लोल मस्ती लोल का लोगो क्रिएट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको लोगो क्रिएट करना आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने लोगो क्रिएट किया, क्या स्टेप्स हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ी, ये सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेल भी कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड होते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।